नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नाखूनों पर जो अर्थचंद्र बना हुआ होता है उसका क्या मतलब होता है? अगर हम शारीरिक अंगों को ध्यान से देखें तो कभी कभी अचंभा होता है कि कुदरत ने कितनी कमाल की चीज बनाई है। हर शारीरिक अंगों को बनाते हुए काफी बारीकी से काम किया गया है। हमारी त्वचा पर रोम छिद्र, हाथों पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, हाथ पैरों के नाखून, ये कुछ चीजें हैं जो इन अंगों को पूरा बनाते हैं। हमारे हाथों में कई राज छुपे हुए होते हैं। हाथों की लकीरों को देखकर आपका भविष्य बताया जा सकता है। आपकी उंगलियों को देखकर आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से अपने नाखूनों को देखा है? आपके नाखून के निचले हिस्से को ध्यान से देखिए तो नाखून के निचले हिस्से पर एक निशान होता है जो आधे चांद जैसा होता है। ये सफेद रंग का होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके नाखून में क्यों पाया जाता है? चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आधा चांद नाखून का अहम हिस्सा होता है। नाखूनों के निचले हिस्से में आधा चांद बना हुआ होता है जो कि नाखून के बाकी हिस्सों से कुछ ज्यादा सफेद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आधा चांद क्यों बना हुआ होता है? वास्तव में ये आधा चांद नाखूनों पर हमेशा होता है। इस आधे चांद वाले हिस्से को लैटिन भाषा में लुनूला कहते हैं, हिंदी में इसे छोटा चांद कहते हैं। लुनूला आपके स्वास्थ्य के विषय में काफी राज खोलता है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र होता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और आप भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जिनकी तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र होता है उनको बहुत ही जल्दी तरक्की मिल जाती है। यदि मध्यमा या किसी भी बड़ी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र बना होता है तो वो व्यक्ति मशीनरी या उद्योगों के कामों में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। छोटी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र, यदि किसी व्यक्ति के कनिष्ठिका या फिर छोटी उंगली के नाखून पर आधे चांद जैसा निशान होता है, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में काफी लाभ होता है। अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र, अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून पर आधे चांद जैसी आकृति बनी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं और अपने किसी भी काम को आसानी से करने की सोचते हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सामान्य आधा चांद, अगर आपके 10 उंगलियों में से 8 उंगलियों के नाखूनों पर दूधिया सफेद रंग का आधा चांद बना हुआ होता है तो आप स्वास्थ्य से बेहतर हैं। ये समझा जाता है कि तब आपको स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आधा चांद कम हो रहा है, आपकी उंगलियों के नाखूनों में से अगर आधा चांद गायब होता जा रहा है या सिर्फ अंगूठे में ही आधा चांद बना हुआ है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सजग होने की जरूरत है और आपका स्वास्थ्य जल्दी ही बिगड़ने वाला है। आप बीमार पड़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि नाखून का आधा चांद क्या बताता है। किसी के नाखून पर ये निशान जितने ज्यादा सफेद रंग के होंगे उतना ही वो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत माना जाएगा। ज्योतिष विद्या में कहा जाता है कि जिनके नाखून धब्बे रहित और चिकने होते हैं ऐसे लोग आर्थिक उन्नति करते हैं। जिस स्त्री के नाखून चिकने होते हैं वो भाग्यशाली होती है। जिन पुरुषों के नाखून घसे हुए हों और गोल हों तो ऐसे पुरुषों को आर्थिक सफलता के नए आयाम हासिल होते हैं। यदि किसी के नाखून छोटे हों तो उन्हें गले से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। छोटे और पीले नाखून वाले व्यक्ति मक्कार स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जबकि गोलाकार नाखून वाले व्यक्ति सशक्त विचारों एवं तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बताते हैं। पतले और लंबे नाखून वाले लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसी परिवृत्ति के कारण कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग नशे के आदी होते हैं। इनके परिजन इनके कारनामों से अक्सर परेशान रहते हैं। छोटे नाखून और गांठदार उंगलियां हों तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को इशारों पर नचाते हैं। हालांकि ये चरित्र के अच्छे होते हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। कठोर नाखून वाले व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के साथ ही अपनी जिद के पक्के होते हैं। ये जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत, इन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती।
अंगूठे के नाखून पर होने वाले सफेद दाग प्यार में मिलने वाली सफलता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कई बार ये सफेद दाग बदनामी का भी संकेत देते हैं। चलिए देखते हैं हमारे नाखूनों का रंग क्या बताता है। कई बार नाखूनों पर सफेद धब्बे नजर आते हैं तो कई बार नाखून पूरे सफेद दिखते हैं। नाखूनों की सफेदी लीवर रोगों के अलावा हृदय एवं आंख की ओर भी इशारा करती है। उभरे हुए नाखून बाहर और आसपास की त्वचा का उभरा होना हृदय समस्या के अतिरिक्त फेफड़ों एवं आंतों में सूजन होने का संकेत देता है। फीके हल्के पीले एवं कमजोर नाखून अनीमिया, हृदय संबंधी परेशानी, कुपोषण एवं लीवर रोगों का संकेत देते हैं। फंगल इन्फेक्शन के कारण पूरे नाखून पीले हो जाते हैं। कई बार पीलिया, थायराइड, मधुमेह और सिरोसिस में भी ऐसा हो सकता है। नाखून पीले और मोटे हैं, धीमी गति से बढ़ रहे हैं तो ये फेफड़े संबंधी रोगों का संकेत देता है। नीले नाखून शरीर में ऑक्सीजन का संचार कम होने की निशानी है। जब ऐसा होता है तो नाखूनों का रंग नीला होने लगता है। ये फेफड़ों में निमोनिया या दिल के रोगों की ओर संकेत करता है। चम्मच की तरह नाखून खून की कमी के अलावा अनुवांशिक रोग और ट्रोमा की स्थिति से भी नाखूनों का आकार चम्मच की तरह हो जाता है और नाखून बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। लाल एवं जामुनी रंग। नाखूनों का गहरा लाल रंग हाई ब्लड प्रेशर का संकेत देता है, जबकि जामुनी रंग के नाखून लो ब्लड प्रेशर का संकेत देते हैं। आधे सफेद और आधे गुलाबी नाखून। नाखूनों का रंग अचानक से आधा गुलाबी एवं आधा सफेद दिखाई दे तो ऐसा होना गुर्दे के रोग एवं सिरोसिस का संकेत देता है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।